आखिर पाकिस्तान में इन दिनों सिखों की हत्या क्यों हो रही है? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि एक तरफ खालिस्तानियों के मरने की खबर सामने आ रही है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में सिखों की हत्या की खबर सामने आ रही है। दरअसल पाकिस्तान के पेशावर के रशीदगढ़ी बाजार में एक सिख व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 35 साल के मनमोहन सिंह के तौर पर हुई है। पुलिस मामले में अपनी जांच कर रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये एक टारगेट किलिंग का मामला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेशावर के स्थानीय पुलिस अधिकारी ने बताया, सिंह को गोली तब मारी गई जब वो घर लौट रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि इस घटना को अंजाम इस्लामिक स्टेट ने दिया है। ISKP यानी कि इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रांत ने मनमोहन सिंह की हत्या को लेकर कहा कि वो बहुदेववादी सिख संप्रदाय का अन्यायी था, इसलिए उसे मारा गया। बताया जा रहा है कि इस घटना से पहले पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी शहर में भी एक सिख को मारा गया। उनका नाम तरलोक सिंह है। उन्हें भी गोली मारी गई थी और हमलावर तुरंत वहां से फरार हो गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में इस साल ये तीसरे सिख की हत्या का मामला सामने आया है। इससे पहले हाल ही में लाहौर में सरदार सिंह को गोली मारी गई थी। उससे पहले अप्रैल में पेशावर में ही दयाल सिंह को मौत के घाट उतारा गया था। और ये केवल इस साल की बातें नहीं है, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का काम काफी समय से हो रहा है। इनमें हिंदू, ईसाई, सिख सब आते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर अल्पसंख्यक अपने घरों को छोड़कर पाकिस्तान से भाग रहे हैं। आए दिन वहां से रेप, हत्या, अपहरण, धर्मांतरण, जबरन निकाह की खबरें आती रहती हैं। कोई अल्पसंख्यक समुदाय ऐसा नहीं है जिसे पाकिस्तान में कट्टरपंथी निशाना न बनाते हो। कुछ समय पहले वहां एक ईसाई लड़के को ईशनिंदा का इल्जाम लगाकर सजा दे दी गई थी। पाकिस्तान की सरकार दूसरे देशों के मामले में बोलने की बजाय अगर अपने गिरेबान में झांक ले तो शायद अल्पसंख्यकों की जान इस कदर ना जाए। लेकिन वो पाकिस्तान है, सुधरेगा क्यों? सुधर जाएगा तो उसकी झूठी शेखी कम नहीं हो जाएगी। फिलहाल पाकिस्तान में इन दिनों हो रही टारगेट किलिंग की खबरों को लेकर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का भी बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप खुद सुनिए। पाकिस्तान के पेशावर च लगातार सिखां दे उत्ते हमले किए जा रहे, उन्होंने टारगेट बनाया जा रहा। पिछले दो दिनों के अंदर दो कातलाना हमले किए गए, एक सरदार मनमोहन सिंह जी उत्ते, सरदार तरलोक सिंह जी के उत्ते। सरदार तरलोक सिंह जी ते परसों हमला किया गया पर उन्होंने जानलेवा हमला के बावजूद हस्पताल अंदर अजे एडमिट ही सी। कल सरदार मनमोहन सिंह जी जो कि परचून का काम करते और कल्ले कल्ले ब्रेड अर्नर से अपने घर के, उन्हों का कतलियाना हमला किया गया जिद अंदर उन्हों की मौत हो गई। पेशावर चों सिखां नूं पेशावर छड्डण की लगातार चेतावनियां दित्तियां जा रही। पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंस तो बाद लगभग 20 लाख परिवार रेंदे सी, जिहड़े कि अज केवल मात्र 6000 परिवार, 7000 परिवार रह गए हैं। और निरंतर सिखां नूं हदायत दित्ती जा रही कि मुल्क छड्ड दिओ, अकलीतां दे उत्ते अत्याचार किया जा रहा, उत्थों दी सरकार कुछ नहीं कर पा रही। मैं हुणे विदेश मंत्रालय नाल भी गल की, जिहड़े जॉइंट सैकटरी पाई ने उन्होंने मेरा संपर्क चा, मैं उन्होंने कहा कि असीं पाकिस्तान नूं कल समन करांगे, उन्होंने हाई कमिशन के लोगों इतने कल तलब करांगे। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद साढ़े सिख जो उत्ते सुरक्षित नहीं, मैं इसकी कड़ी निंदा करते हुए उत्थों के प्रधानमंत्री को यह कहना चाहना है कि जे तुसी सिखां दे इन्ने वड्डे कतलेआम हमले होने तो बाद एक अल्फाज भी नहीं बोल सकते तो इस तो वड्डी शर्म की गल आ। अकलीतां उत्थे सेफ नहीं, ये सारे असीं जाणदे हां। मैं भारतीय सरकार दे के फिर तो बेनती करदा है कि वह जोरदार तरीके नाल प्रोटेस्ट करन ताकि साढ़े सिखां नूं उत्थे सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। VK News, राष्ट्र के नाम।